अगर आप इस तरह की अलग अलग पाइपिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको पता लगे कि मैंने किस तरह से ये 3 कलर की आइसिंग डाल करके डिजाइंस बनाए हैं और अलग अलग पाइपिंग टेक्निक सिखाई है मैंने इसमें केक बनाने के लिए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियो बनाएं। तो केक सजाने के लिए जो नोजल्स होती हैं उनके बारे में ये वीडियो है कि आप किस तरह की पाइपिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, किस तरह से पाइपिंग बैग को भर सकते हैं और किस किस तरह के नोजल्स अवेलेबल हैं। तो मेरे पास जो भी नोजल्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर मैंने इकट्ठी कर ली हैं और कुछ पाइपिंग बैग्स में आइसिंग भर ली है। यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम यूज की है मैंने। ये मार्केट में अवेलेबल है इस तरह के पाइपिंग बैग्स जो हैं। अगर आपको ये ना मिले तो इस तरह के जो जिपलॉक पाउच होते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी आप आइसिंग को भर सकते हैं और नोजल को यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर वो भी ना हो तो आप मेरे होममेड पाइपिंग बैग का वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए उसको कुछ इस तरह से खोल लेंगे और इसको हम ग्लास पर इस तरह से खोल करके चढ़ा लेंगे और इसको इस तरह से इसमें हम जो भी कलर की आइसिंग हो उसको भर सकते हैं। इससे काफ़ी ईजी हो जाता है आइसिंग को पाइपिंग बैग में डालना। तो मैंने यहाँ पर कुछ पाइपिंग बैग्स रेडी कर लिए हैं। जी देखिए, मैंने यहाँ पर किसी भी बैग में नोजल नहीं लगाई है। हम एक ही बैग पर अलग अलग नोजल्स भी लगा सकते हैं इस कूपलर की हेल्प के। ये देखिए, इस तरह का कूपलर मिलता है जिसको कि हम आइसिंग बैग में फिट कर देते हैं और उसके बाद फिट करने के बाद इस पर आप कोई भी नोजल लगा करके इस तरह से फिट कर सकते हैं। बट मैं इसकी हेल्प के बिना बताऊंगी आपको कि आप किस तरह से अलग अलग नोजल्स को एक ही पाइपिंग बैग के साथ लगा सकते हैं। हाँ, इसके लिए हमें चाहिए एक और आइसिंग बैग। देखिए इस तरह का, इसको हम कट कर लेंगे आगे से नोजल के अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको कट करने के बाद हम इस पर नोजल लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने लीफ नोजल लिया है, ये कुछ इस तरह का होता है और इसको इस हम आइसिंग बैग में लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम दूसरा वाला जो आइसिंग वाला बैग है इसमें डाल देंगे और अब हम जब इसे यूज करेंगे तो ये वाला आइसिंग बैग ऊपर वाला खराब नहीं होगा और इसको निकाल करके आप चेंज करके दूसरा नोजल चेंज कर सकते हैं या फिर दूसरा आइसिंग बैग भी चेंज कर सकते हैं सेम कलर के नोजल के साथ। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे केक डेकोरेशन बहुत ही इजी हो जाता है और ज़्यादा पाइपिंग बैग्स भी ख़राब नहीं होते। तो मैं आपको यहाँ पर साथ साथ इन नोजल्स का नंबर बताती रहूँगी और साथ साथ इनको यूज़ करने की टेक्निक भी बताऊँगी। यहाँ पर कुछ नोजल्स विल्टन के हैं, कुछ इंडियन कंपनी है नूर उसके नोजल्स हैं और आपको इस तरह के प्लास्टिक नोजल्स भी मिल जाते हैं मार्केट में। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप या तो नूर के नोजल्स लें या फिर इस तरह के विल्टन के नोजल्स लें। और यहाँ पर ली है मैंने रोज नेल। जो जो नोजल मैं यूज करके दिखाऊंगी उसका नंबर आप साथ साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नोजल्स से आइसिंग करना। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, इसकी बैक पर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस बताऊंगी। देखिए, विल्टन का 6 नोजल है, इसमें हमने ये दूसरा वाला बैग डाल दिया है। तो मैं आपको इससे डिज़ाइन बना करके दिखाती हूँ। देखिए, इससे हम इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं इसको यहाँ पर प्रेस करूँगी इस तरह से हाथ से और इसको इस तरह से खींच लूँगी। इस तरह का डिज़ाइन बनेगा उससे। और इसको थोड़ा और बड़ा करना है हमें तो इसे ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। इससे हम इस तरह के स्वर्ल्स बना सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरह से कपकेक्स को भी डेकोरेट कर सकते हैं, इस तरह के डिज़ाइन में भी कर सकते हैं बॉर्डर बनाने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए भी। तो मैं यहाँ पर दूसरा नोजल चेंज कर लूँगी। सेम आइसिंग बैग से हम एक और डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस बार मैं विल्टन का 2C नोजल यूज़ कर रही हूँ और इसको हम इसी में लगा देंगे सेम बैग में। इस तरह से आप बार बार नोजल्स को चेंज करते हुए लगा सकते हैं और आइसिंग भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इससे भी आप बहुत ही सुंदर तरीके से ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। इससे आप रोज केक बना सकते हैं बिल्कुल राउंड इस तरह से। इससे आप छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना सकते हैं।
इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं कुछ भी। और मैं आपको नेक्स्ट नोजल दिखाऊंगी। पहले मैंने विल्टन का 2C नोजल यूज किया था और अब मैं 2D यूज कर रही हूँ जिसमें कम कट्स होते हैं। ये देखिए, इससे फ्लावर्स बना सकते हैं इस तरह से। देखिए, इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, मूव करेंगे और इसको खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ तक तो हमने बड़े नोजल्स यूज किए हैं, अब मैं यहाँ पर आपको क्लोज स्टार टिप दिखाना चाहूंगी। क्लोज स्टार टिप है, इसमें बीच में आप देख सकते हैं कि टिप क्लोज्ड है। ये विल्टन का 131 नंबर है, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। देखिए, इससे भी आप फ्लावर्स बना सकते हैं। देखिए, इससे बनाएंगे हम बॉर्डर। हमें सिर्फ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये बॉर्डर। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगी विल्टन का सबसे छोटा वाला स्टार है। ये देखिए, ये यूज करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये विल्टन का 16 नंबर है, तो इसको भी हम आइसिंग बैग में लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको फ्लावर्स के बीच में बॉर्डर डाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। देखिए, बहुत बारीक और बहुत ही सुंदर बॉर्डर आते हैं इससे। मैं दूसरी टिप पर डिजाइन बना करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर बॉर्डर के लिए हम इस तरह का बॉर्डर भी बना सकते हैं। ज़िगज़ैग मोशन, पहले इस तरफ से, इधर से, छोटे छोटे डॉट्स वाले स्टार्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए इस तरह के, देखिए कितने सुंदर स्टार्स बने हैं। नेक्स्ट नोजल जो है वो विल्टन का 352 नंबर है। एक बार हम इस तरह से बनाएंगे और दूसरी बार इस तरह से बनाएंगे। देखिए, इससे आप इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। और अगर आपको लीफ ड्रॉ करनी है तो इसको इस तरह से वर्टिकल रखें और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आप इसको हल्का प्रेस करेंगे तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लीव्स बनती हैं इससे। इसको आप जितना मूव करेंगे लीफ उतना अच्छा बनेगा। ये देखिए, इसको हल्का प्रेशर अपने हाथ के अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। देखिए, ज़्यादा प्रेशर लगाने से लीफ जो है बड़ी आएगी, चौड़ी बनेगी, और अगर आप कम प्रेशर लगाएंगे तो आप छोटी लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको नूर के नोजल्स यूज करके दिखाऊंगी, जिसमें मेरे पास ये शेल नोजल है जो कि एक तरफ से प्लेन है और ऊपर से टीथ वाला है। ये बॉर्डर के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही सुंदर बनते हैं इसके बॉर्डर जो होते हैं। जो फ्लैट वाली साइड है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और टीथ वाली साइड ऊपर की तरफ, तो इससे हम बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इस डिज़ाइन को पुश करेंगे, पुल करेंगे, पुश पुल। देखिए, बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनता है इस तरह से। और इसे आप इस तरह का बॉर्डर भी बना सकते हैं, ये वाला जो मैंने आपको पहले बनाया था। पहले हम इस तरफ से इसको ड्रॉ करेंगे, फिर हम एक ड्रॉप इधर से डालेंगे और इसको खींच देंगे। सेम प्रोसेस से इधर ऐसे। देखिए, बहुत ही सुंदर बॉर्डर्स आते हैं इससे। तो नेक्स्ट मैं यूज करके दिखाऊंगी आपको नूर का 10 नंबर का नोजल जो कि बड़ी लीफ है। इसको हम पाइपिंग बैग में लगा लेंगे। ये देखिए, फिर इस नोजल को हम इस तरह से चलाएंगे अप एंड डाउन मोशन में। ये देखिए इस तरह, तो कुछ इस तरह का बॉर्डर बन करके आएगा। तो ये है नूर का 39 नंबर नोजल जो कि बास्केट नोजल से मिलता जुलता है, बट ये बॉर्डर्स के लिए यूज किया जाता है, तो इसका डिजाइन देख लेंगे। ये देखिए, इससे भी हम बॉर्डर्स बना सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, या तो आप इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप प्लेन अगर बॉर्डर को लाइन करना चाहे वो भी बना सकते हैं। अगर आप ये भी ना चाहें तो इसको इस तरह से बना सकते हैं ज़िगज़ैग मोशन में। तो ये बहुत ही सुंदर बॉर्डर्स बनते हैं इससे। सेम इसी तरह का एक और नोजल है, ये भी नूर का नोजल है नंबर 40। तो मैं आपको बॉर्डर्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ इससे भी, बट दोनों के बॉर्डर्स अलग हैं। ये देखिए, इस ये दूसरा है 40 नंबर और ये 39। हम यूज करेंगे नूर का बास्केट नोजल ये वाला, तो इसको भी हम लगा लेंगे। जो प्लेन साइड है उसे नीचे रखेंगे और टीथ वाला साइड ऊपर रखेंगे और इससे बास्केट वीव करेंगे। पहले इससे एक लंबी लाइन लगा लेंगे, यहाँ पर हम दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे इसे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर बास्केट बनती है। अब मैं आपके साथ देखिए रोज वाला टिप शेयर करूंगी। नूर का 11 नंबर नोजल है जो कि ऊपर से इस तरह से मोटा और नीचे से इस तरह पतला होता है,
तो इससे हम रोज बना सकते हैं, बॉर्डर्स बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों बना करके दिखाऊंगी। बॉर्डर बनाने के लिए हम ये मोटी जो साइड है इसकी नीचे की तरफ और बारीक साइड ऊपर रखेंगे और इससे बॉर्डर बनाएंगे। देखिए इसको हम कुछ इस तरह से मूव करेंगे तो ये फ्रिल बन जाएगी। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर फ्लावर नेल पर फ्लावर बना करके दिखाऊंगी। उसके लिए हम सबसे पहले इसमें बीच में काफी सारी क्रीम डाल लेंगे इसको इस तरह से। इसमें फ्लावर बनाने के लिए हम इसकी जो मोटी वाली तरफ है उसे नीचे रखेंगे और ऊपर बारीक वाली तरफ रखेंगे। तो पहले हम इसको कवर कर लेंगे ऊपर से घुमाकर, ये देखिए इस तरह। एक बार और इसको बेस दे देंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ से भी, ये देखिए इस तरह। अब हम इस पर रोज बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर उल्टी सी की शेप देंगे इसे, ये देखिए पेटल्स को इस तरह घुमाते हुए आधे में से लेकर जाएंगे यहाँ तक। सी का जो बीच वाला हिस्सा है उससे फिर एक और सी ड्रॉ करेंगे, इसी तरह एक और ड्रॉ करेंगे, एक और, ये देखिए इस तरह से। बहुत ही ज्यादा प्यारा दिख रहा है रोज जो हमने अभी बनाया है। इसको शिफ्ट करने के लिए सिजर्स को इस तरह खोल लेंगे और इसको इस तरह जैसे हम कटिंग करते हैं इसको इस तरह से लेंगे और इसको ऐसे उठा लेंगे। यहाँ पर इसे येलो वाले जो हमने बनाए थे इस पर यहाँ पर इस तरह से कैंची को निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर रोज दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको नूर का 44 नंबर नोजल दिखाऊंगी जो कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला है, बट ये ड्रॉप की शेप का है। इस ड्रॉप शेप से हम सेकेंड टाइप का फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए इस पर हम पहले क्रीम निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से इसको राउंड शेप दे लेंगे। इसमें हमने मोटी वाली तरफ ऊपर रखी हुई है और बारीक तरफ नीचे। और अब हम इसकी लीव्स बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। ये बिल्कुल उस तरह से होगा जैसे बर्ड होती है, अंदर की तरफ को पंखुड़ियां बंद होंगी इसकी, देखिए इस तरह। उसी तरह उल्टे सी ड्रॉ करने हैं और आधे में से ड्रॉ करना है हमें। ये देखिए बिल्कुल ही अलग है ये वाला रोज, ये देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। ये खिला हुआ गुलाब है और ये बंद है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों नोजल्स में। इसको भी हम शिफ्ट कर देंगे इसी तरह कैंची से उठा करके, आप इसे फोक से भी उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसको भी मैं यहाँ पर हाइट पर रख रही हूँ इसमें थोड़ा सा। मैंने आपको लगभग सभी नोजल्स दिखा दी हैं। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि हम तीन कलर की आइसिंग जो है एक ही बैग से बना सकते हैं, यानी कि तीन अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर ये बड़ा वाला जो नोजल है विल्टन का वो यूज कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर नोजल लगा लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पाइपिंग बैग्स अलग अलग आइसिंग के। ये देखिए यहाँ पर ऑरेंज है, इसको हम एक साइड में डालेंगे। नेक्स्ट हम यूज करेंगे ये ग्रीन वाला, इसको भी रख देंगे यहाँ पर। और इसके बाद जो जगह बची है ये देखिए यहाँ, इसमें हम जो पिंक वाला है पाइपिंग बैग वो डाल देंगे। तो इनको हम अंदर कर देंगे, जरा ध्यान से करेंगे ताकि जो आइसिंग है वो निकल ना जाए। इनको हमें नोजल के अंदर तक डालना है। ऐसे ऐसे हम इन्हें प्रेस करेंगे इनसे कलर आने लगेगा। ये देखिए कितने सुंदर ट्राई कलर स्वर्ल्स बन रहे हैं। इसको हम प्रेस करेंगे यहाँ से, ये देखिए कितने बढ़िया कलर्स आ रहे हैं इसमें तीनों। इसी तरह एक और बना लेंगे, इससे आप और कपकेक्स को भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय कुकिंग एंड बेकिंग विद खाना मनपसंद। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय।